वेरी गुड आफ्टरनून माई डियर व्यूअर्स. टूडेज टॉपिक इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. तो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, इसको डिस्कस करने वाले हैं. इससे रिलेटेड 30 MCQs हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जितने भी साथी हमारे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल होगी. इसके साथ साथ जो क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगी. इसकी मदद से वो इस चैप्टर को पूरा समझ पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु वॉज नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला कौन थे? चार ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें करेक्ट आंसर हमें बताना है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट थे ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ. तो प्रेसिडेंट तो थे, कहाँ के थे प्रेसिडेंट? तो ऑप्शन हमारे पास इसमें भी चार हैं और करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम. करेक्ट आंसर जो है साउथ अफ्रीका. तो नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला. वी हैव ऑलरेडी फोर ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन आल्सो. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में भी जो है चार ऑप्शन हैं. तो हमें करेक्ट आंसर बताना है. ऑप्शन आप देख सकते हैं और तो करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन रोलिहलाला मंडेला. इसको नेशनल नहीं पढ़ना है, नेल्सन है ये. बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, नेशनल बोलते हैं. नेशनल ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, नेल्सन है. नेल्सन रोलिहलाला मंडेला आप देख सकते हैं. डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेल्सन रोलिहलाला मंडेला वॉज. तो ये क्या थे? नेल्सन रोलिहलाला मंडेला फर्स्ट व्हाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप देख सकते हैं और जहाँ पे जरूरी होगा एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करेंगे. हाउ मैनी सेंचुरीज वाइट्स रूल इन साउथ अफ्रीका. तो कितनी सेंचुरीज तक जो है, कितनी शताब्दियों तक वाइट्स ने रूल किया साउथ अफ्रीका में, यानी कि श्वेत लोगों ने रूल किया कहने का मतलब है. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका की बात चल रही है, वहाँ के ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला. इससे पहले वहाँ पर वाइट्स का रूल चलता था. तो मोर देन थ्री सेंचुरीज, मोर देन टू सेंचुरीज, मोर देन अ डिकेड और मोर देन अ सेंचुरी. तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है इसमें. तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा मोर देन थ्री सेंचुरीज. तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, मोर देन थ्री सेंचुरीज. तीन शताब्दियों से भी ज़्यादा तक यहाँ पर किसने रूल किया? वाइट्स ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट वाज़ द नेम ऑफ मंडेलाज पार्टी. नेल्सन मंडेला जो थे इनकी पार्टी का क्या नाम था ये बताना है हमें. तो इनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ANC पार्टी. इनकी पार्टी को शॉर्ट में बोला जाता था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तो इससे पहले जो है श्वेतों ने जो है वाइट्स ने जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार किया किसके ऊपर? बात करें जो अश्वेत थे, ब्लैक्स जो थे उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए यहाँ पर. तो फाइनली जो है साउथ अफ्रीका की सॉइल पे एक ऐसा दिन आया जब ये एक हिस्टोरिकल डे जिसको ऑटम डे के नाम से भी जाना जाता है साउथ अफ्रीका की सॉइल पे. तो ये भी क्वेश्चंस हमारे वीडियो में हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. अगर मैं यहीं पे सब कुछ बता दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं इन MCQs का. तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ मंडेलाज पार्टी. तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स डिड मंडेला ANC पार्टी विन. तो हाउ मैनी सीट्स यानी कि कितनी सीटें जो हैं मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसने जीती यहाँ पर. तो हमें आंसर इसका बताना है. चार ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 252 सीट्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी. टोटल 400 में से, आउट ऑफ 400 में से 252 सीट्स जो है मंडेला की पार्टी ने क्या की थी? जीती यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज. तो कैसे डिफाइन करते हैं ये मीनिंग को, करेज की, साहस की मीनिंग को कैसे डिफाइन करते हैं जो है नेल्सन मंडेला. ये कहते हैं ये क्या है, ट्रिम्प ओवर फियर.
ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कहते हैं विजय है किस पे, डर पे। ये कहते हैं इसका मतलब जो करेज है, करेज डज नॉट मीन्स अब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं होता है कि उस व्यक्ति के अंदर डर नहीं है, भय नहीं है। भय है लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं काबू कर पाना, उसको कंट्रोल में करना, उस पर विजय प्राप्त करना, ये ही जो है करेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 से है, आप देख सकते हैं वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। तो सेरेमनी जो है वो कहाँ पे, जो जो बात करें इनकी पार्टी जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 252 सीट्स आउट ऑफ 400 जीत के जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उसके बाद जो सेरेमनी है वो कहाँ पे हुई, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैंडस्टोन एमपी थिएटर। आपने सुना होगा ये सैंडस्टोन एमपी थिएटर के बारे में, ये कहाँ पे था जो सेरेमनी हुई थी। हम बोल सकते हैं सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया। कहाँ पे, प्रिटोरिया में जो है एक बिल्डिंग है एमपी थिएटर करके, एमपी थिएटर सैंडस्टोन एमपी थिएटर करके, तो वहाँ पे जो है सेरेमनी हुई थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फ्लेम कैन बी हिडन। कौन सी फ्लेम जो है उस, यानी कि विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंगाइज्ड। तो कौन किस फ्लेम को जो है वो हिडन तो किया जा सकता है, उसको छिपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो ये कौन सी चीज़ है, ये कहते हैं कि मैंस गुडनेस, आदमी की जो भलाई है उसको छिपाया जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन विच डे वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसल गवर्नमेंट। तो ये जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे, अगर बात करें नेल्सन मंडेला, तो इनकी पार्टी जो थी ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो इनकी पार्टी का नाम था ANC, तो ये कैसी पार्टी थी, फर्स्ट डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नॉन रेशियल। नॉन रेशियल मीन्स गैर, बोल सकते हैं जो किसी जाति धर्म या लिंग या नस्ल भेद रहित थी। इससे पहले जो है जो कलर के बेस पे जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो जो वाइट्स थे उनके द्वारा जो है ब्रूटेलिटी की जाती थी, बोल सकते हैं किसके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, ब्लैक्स के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से दिन जो है लार्जेस्ट गैदरिंग, जो बहुत बड़ी जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उनकी एक बड़ी संख्या में जो भीड़ जमा हुई साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, किस लिए, स्थापना के लिए साउथ अफ्रीका की फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, वो कब हुई थी, वो भीड़ जमा हुई थी 10 मई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 10 मई। 10 मई को ऑटम डे कहा जाता है साउथ अफ्रीका की सॉइल पे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इस दिन की बात करें तो इन दिस डे द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज, जितने भी फेमस जो भी व्यक्ति थे और जो लीडर्स थे, वो साउथ अफ्रीका की सॉइल पे इकट्ठा हुए, किसके लिए, फर्स्ट जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है मंडेला के अकॉर्डिंग, तो कंट्री की ग्रेटेस्ट जो वेल्थ है इसके लोग हैं, इट्स पीपल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। जो डेप्थ है किसकी, ऑपरेशन की, ऑपरेशन यानी कि किसी को दबाना, किसी पे जुल्म करना, वो क्या क्रिएट करती है, वो क्रिएट करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइट्स ऑफ करेक्टर, हाइट्स ऑफ करेक्टर को क्रिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कौन स्वतंत्र नहीं है, ऑपरेसर ऑपरेस्ड। ऑपरेसर यानी कि जो दबाव बनाने का काम कर रहा है, जो जिसको बोल सकते हैं जो जुल्म करने का काम कर रहा है, जालिम जिसको बोल सकते हैं, ऑपरेस्ड जिस पे जुल्म किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा इसका, बोथ बी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
15th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। तो कौन सा रियलाइजेशन जो है मंडेला को हुआ, आभास, यानी कि क्या आभास हुआ कहने का मतलब है मंडेला को अपने बॉयहुड के फ्रीडम से, अपने जो लड़कपन की अगर बात करें स्वतंत्रता से, उनको क्या चीज़ फील हुई यहाँ पे। इट इज़ जस्ट एन इल्यूशन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16th, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन के दिन जो है क्यों दो नेशनल एंथम, यहाँ पे दो राष्ट्रगान गाए गए। तो मंडेला जो है आपको पता है ये एकता के पक्ष में थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट हो जाएगा, टू इम्प्लाय यूनिटी, ताकि जो श्वेत हैं, जो ब्लैक बोल सकते हैं, जो वाइट्स हैं एंड जो ब्लैक्स हैं, उनके बीच इंटेग्रिटी को दर्शाने के लिए, यूनिटी को दर्शाने के लिए। और इसके साथ साथ टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का यानी कि भेदभाव का अंत, जातिगत भेदभाव का या नस्ली भेदभाव का अंत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। तो करेज से इन्होंने क्या सीखा मंडेला ने, इट्स एब्सेंस ऑफ फियर। ना, ये कहते थे इट इज़ नॉट एन एब्सेंस ऑफ फियर, इट डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर कहा इन्होंने। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, फियर तो है लेकिन इट्स ट्रिम्प ओवर फियर कह रखा था इन्होंने। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, इट इज़ द ट्रिम्प ओवर फियर। अगर पहले में हो जाता है इट इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, तब जाके बोथ ए एंड बी हम कर सकते थे, बट यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, इसका मतलब इट डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर, करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर, ये चीज़ अब याद रखेंगे, इट्स द ट्रिम्प ओवर फियर। वट अनइंटेंडेड अफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड। तो किस प्रकार के अनइंटेंडेड, इंटेंटेड मीन्स जो एक इरादे के उससे किया जाता है, यहाँ पे अनइंटेंटेड मीन्स अनैच्छिक इफेक्ट, कौन सा जो प्रभाव जो है दशकों से ऑपरेशन मीन्स जो एक दबाने का काम किया गया था, किसको, ब्लैक्स को, वाइट्स के द्वारा। तो एंड जो ब्रूटलिटी थी, जो पशुता उनके द्वारा दर्शाई गई थी, वो थी क्या थी, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेज विजडम एंड जेनरसिटी, पॉवर्टी एंड सफरिंग, बॉयकॉट फ्रॉम फॉरेन नेशंस। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19th हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 19th आप देख सकते हैं, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज The world has ever known, यानी कि एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो उन्होंने क्रिएट किया था, बनाया गया था उनके द्वारा, वन ऑफ द हार्शेस्ट, एकदम बिल्कुल सख्त से सख्त बोल सकते हैं, मोस्ट इनह्यूमेन, बहुत ज़्यादा अमानवीय, और इसके अलावा सोसाइटीज़ और इस प्रकार के समाज, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन, जिसके लिए विश्व में इसको जाना जाता है, कहने का मतलब है अफ्रीका को उससे पहले। तो व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट, मंडेला यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर हमें बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इसका, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन। रेशियल यानी कि नस्ली बोल सकते हैं, डोमिनेशन किसके अगेंस्ट, ब्लैक स्किन यानी कि अश्वेत लोगों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 20th आप देख सकते हैं, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्ले ऑफ। जो स्पेक्टेकुलर एरे था साउथ अफ्रीकन जेट्स का, विमानों का, वाज डिस्प्ले ऑफ, तो वो किस चीज का डिस्प्ले था, किस चीज का प्रदर्शन था।
स्पेक्टेकुलर एरे को बोला जाता है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, यानी कि एक कलरफुल एंड अट्रैक्टिव आकर्षक रंगीन और आकर्षक जो है डिस्प्ले था प्रदर्शन किसका, मिलिट्री प्रिसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20th का आंसर बताना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये मिलिट्री की स्पष्टता और लॉयलिटी, उसकी वफादारी जो है डेमोक्रेसी के प्रति, उसको दर्शाता है, उसका प्रदर्शन था ये। व्हाट वाज इट, ये क्या था दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, जिसकी यानी कि द नेशन नीडेड, नेशन को आवश्यकता थी टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, किस चीज़ से, किस चीज़ से स्वतंत्रता की आवश्यकता थी, पॉवर्टी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, डिप्रिवेशन से, या सेपरेशन यानी कि अलगाव से, पृथकता से, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, तो कौन सा चेंज जो है लाया गया इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड ऑफ अपार्थेड, एंड ऑफ अपार्थेड। अपार्थेड क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थेड, अपार्थेड बोला जाता है पॉलिटिकल सिस्टम था दैट सेपरेट्स अदरवाइज विच सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेसेस, जो लोगों को उनकी रेसेस के अनुसार, उनकी जातियों, उनकी नस्ल, उनकी जो है कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग करता है, तो उस सिस्टम को अपार्थेड कहा जाता है। तो अपार्थेड का अंत कर दिया गया है यहाँ पर। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम विच सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेसेज, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं ये लाइन। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, तो कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा टू। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, तो इनॉग्रेशन डे कब था, 10 मई को था, इसको ऑटम डे भी कहा जाता है, इसको कौन सा डे कहा जाता है, ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका सॉइल। ऑटम की स्पेलिंग होती है AUTUMN, ऑटमन नहीं बोलना है इसको, ऑटम डे, ऑटम डे, पतझड़ दिवस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे पतझड़ होता है वहाँ पे, यानी कि आपने भी देखा होगा उसमें कलर्ड पत्तियाँ भी रहती हैं, ग्रीन भी रहती हैं, येलो भी रहती हैं, तो इसी टाइप से वहाँ पे इंटरनेशनल लीडर्स की गैदरिंग जो है बहुत बड़ी संख्या में हुई, तो इसलिए इसको ऑटम डे कहा जाता है। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, तो किस प्रकार की गवर्नमेंट थी ये, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, जैसा कि हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, तो व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, तो अदर कंट्रीज ने क्यों ब्रोक ऑफ कर दिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस साउथ अफ्रीका के साथ, क्योंकि इसकी अपार्थेड पॉलिसी के कारण। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर, तो कॉमन विक्ट्री किसके लिए थी ये, किसके लिए धन्यवाद अदा करना चाहते थे, जो मंडेला हैं, जो जितने भी प्रसिद्ध इंटरनेशनल गेस्ट से मेहमान थे उनका वहाँ पे उस यानी कि इस ऐतिहासिक दिन का साक्ष्य यानी कि उबनने के लिए क्यों जो है इनका धन्यवाद अदा करना चाहते थे, किस लिए ये विक्ट्री किस टाइप की थी, कॉमन विक्ट्री फॉर किस चीज़ के लिए कॉमन विक्ट्री थी ये बताना है, जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, ऑल ऑफ द अबव, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। वी हैव अचीव्ड अवर पोलिटिकल इमेंसिपेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन, तो इमेंसिपेशन की मीनिंग क्या है, इमेंसिपेशन की मीनिंग है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, किसी भी प्रकार के अवरोध से स्वतंत्रता। हाउ मैनी कंट्रीज पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो कितने देशों के जो है पॉलिटिशियन, जो राजनेता थे, और इसके अलावा बात करें जो डिग्निटरीज थे, उन्होंने अटेंड की इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो ये हमें बताना है, मोर देन 140 कंट्रीज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लगभग 140 से ज़्यादा
देशों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, इसलिए ऑटम डे कहा जाता है 10 मई को। हाउ मैनी ईयर्स मंडेला हैड टू स्पेंड इन प्रिजन। तो मंडेला को जो है जब शुरुआत की बात करें, जब श्वेतों का वहाँ पे शासन था, वाइट्स का रूल चल रहा था, तो उस टाइम पे उनको जब वो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे तो कितने साल तक इनको जेल में रहना पड़ा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 ईयर्स। 30 ईयर्स विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब हमें दी हुई है। वोकैब में आप देख सकते हैं पहले नंबर पे रेजिलियंस, रेजिलियंस करके है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? दी एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, यानी कि एक प्रकार की योग्यता जो किसी भी कठिन उससे हार्डशिप से और क्या कर सकती है, काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, या इससे इसके जो जितने भी इफेक्ट्स हैं उनसे रिकवर करने की जिसमें क्षमता होती है उसको रेजिलेंस बोला जाता है। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड स्ट्रांग होता है। अब नेक्स्ट रॉट का मतलब क्या है? रॉट जो है ओल्ड फैशनड है, ओल्ड डेटेड वर्ड जिसको आर्काइक भी बोला जाता है, जैसे कि हमने लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी जब टर्म्स की बात कर रहे थे उसमें डिस्कस किया था। फॉर्मल वर्ड क्या है इसका मतलब? रॉट का मतलब होता है डन या अचीव्ड, किसी चीज़ को जब कंप्लीट कर लिया गया हो या अचीव कर लिया गया हो उसके लिए यूज किया जाता है। डिस्पाइज्ड का मतलब होता हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, तो किसी चीज़ की एक बहुत लो ओपिनियन होना। नेक्स्ट डेप्रिवेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी के राइटफुल जो है बेनिफिट्स नहीं होते, कहने का मतलब है। एमपी थिएटर क्या है? एमपी थिएटर जो इसमें एमपी थिएटर सैंडस्टोन एमपी थिएटर जहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है हुई थी, तो वहाँ पे एमपी थिएटर वर्ड यूज किया गया था। तो इसका मतलब क्या होता है? एमपी थिएटर अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक इस प्रकार की बिल्डिंग जिसमें छत नहीं होती है, रूफ नहीं होती है, विद मैनी रोज ऑफ, जिसमें कई रोज होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं कह सकते हैं सीट्स की, राइजिंग इन स्टेप्स जिसमें सीट्स राइजिंग, जिसमें सीट्स क्या रहती हैं स्टेप्स में लगी रहती हैं, यानी कि स्टेप वाइज, टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। या और ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं इस टाइप की? एंशियंट ग्रीस यानी कि प्राचीन यूनान और रोम में। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पजेस। तो जो अब जो साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग है, तो उस टाइम पे जब इनॉग्रेशन के टाइम पे जो फहराया गया जो झंडा, तो उसमें कौन कौन से कलर्स थे? तो ये पूछा जा सकता है। इसमें आप आंसर दे सकते हैं ब्लैक, रेड, इसमें कितने कलर्स थे? ब्लैक था, रेड था, इसके अलावा ग्रीन, और बात करें ग्रीन के अलावा ब्लू कलर भी था इसमें, और ब्लू के साथ साथ इसमें लास्ट में अंततः कौन सा कलर बोल सकते हैं? गोल्ड। तो इतने कलर का जो है मिक्सअप था, ये ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। तो इसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, तो अगर आप अपने स्तर से भी इसको बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इनके पहले लेटर को आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो हमारे पास था, अकॉर्डिंग टू मंडेला जो है लव कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट, यानी कि हेट की तुलना में जो है लव जो है मोर नेचुरली जो हमारे जो है दिल में जो है रहता है, कहने का मतलब है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला कम्स मोर नेचुरली टू लव और टू हेट, तो आंसर इसमें हो जाएगा लव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मंडेला की जो भूख थी उसको बढ़ा दिया था, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, वो चीज़ें जिन्होंने उस मंडेला जी को उन पहले से ही इन चीज़ों से दूर रखा था, कहने का मतलब है उनके अगर बात करें तो उनके लाइफ के दौरान, और उसमें मेन चीज़ क्या थी? फ्रीडम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा बात करें तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि किसके द्वारा पब्लिश कराई गई थी, पब्लिश कराया गया था इसको लिटिल ब्राउन के द्वारा, लिटिल ब्राउन के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिटिल ब्राउन के द्वारा जो है इस ऑटोबायोग्राफी को इनके पब्लिश कराया गया था। और कब पब्लिश कराया गया था? इन 1994 में ही यहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी हुए थे, जिनमें जो है एएनसी पार्टी इनकी विजयी रही थी, और जिसमें 400 टोटल सीटें थी, 400 में से 252 सीटें इनकी पार्टी ने जीत कर जो है
पहली बार यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की और जो है बोल सकते हैं ब्लैक प्रेसिडेंट यहाँ पे साउथ अफ्रीका की सॉइल पे जो है पहले नंबर के जो बने वो थे हमारे नेल्सन रोलिहिलाला मंडेला। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद यहाँ पे कोई भी टॉपिक छूट रहा होगा इनसे रिलेटेड। अगर बात करें जाते जाते इनके लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं, 1918 में इनका जन्म हुआ 18 जुलाई 18 जुलाई यानी कि बोल सकता हूँ मेरे लिए तो ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि मेरा जन्मदिन जो है 18 जुलाई को ही है तो मैं इसको इजीली याद रख पाता हूँ। इसलिए 1918 को आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था यहाँ पे और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 5 दिसंबर को इनकी डेथ हुई थी 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर को। और इसके अलावा इनको जो अवार्ड्स मिले थे उनमें नोबेल प्राइज़, भारत रत्न, निशान पाकिस्तान जो हैं प्रमुख थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।